नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। चलिए दोबारा देखते हैं लेवल्स के ऊपर, और हम लोग अभी थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल देखेंगे। और कल भी काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको मैंने बताए थे, जितने सारे भी लेवल्स आपको मैंने बताए थे मार्केट में अच्छी तरह उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड हुआ है। और जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, एक्सपायरी स्पेशल मैंने कुछ लेवल्स बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ होगा, काफ़ी अच्छा पैसा सबने वहाँ पर कमाया होगा। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली हम लोग लेवल्स के ऊपर और देखेंगे कल कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, और कल हमने क्या लेवल्स बताए थे वो सारा लेवल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चले और उन लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड करके पैसा कमा सको। तो चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर, और पहले देखते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का मैंने आपको एक चीज कल बताया था, अगर 15,950 के नीचे अगर सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो, 16,045 के ऊपर सस्टेन करता है बाई कर सकते हो। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने एक चीज आपको कहा था, अगर 16,045 के नीचे ओपन होता है तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास चला जाता है 45 के आसपास, तो वहां उसके नीचे अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बाई करेंगे, अगर उसके नीचे स्ट्रगल करेगा तो वहां से आप लोग सेल करके पुट वगैरह बाई करके ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर इसके नीचे सपोर्ट 9950 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो आप लोग वहां से सेल कर सकते हो। बट मार्केट ने किया, अगर उसके बीच में कहीं ना कहीं ओपन होता तो एक रेंज में ट्रेड हो सकता है। हाँ, 2-3 घंटे तक मार्केट ने थोड़ा ऐसा ही, 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक मार्केट में थोड़ा हालचाल वही था। उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद आपको काफी अच्छा ट्रेड मिला, जैसे कि हमने 2 बार से 3 बार ट्रेड लिया। पहले मॉर्निंग आवर में हमने एक पुट ऑप्शन पकड़ा था, जैसे कि ये 70-60 के आसपास गया था, उसी रेंज पर हमने, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगा मुझे पता है आज एक्सपायरी है, इसीलिए मैंने वहां से एक पुट ऑप्शन बाई किया था निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। काफी सारे लोगों ने बैंक निफ्टी का पुट वगैरह खरीदा था, उसके साथ साथ मैंने ऑप्शंस निफ्टी में काफी कम लोगों ने लिया था, निफ्टी में बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर रहे थे। और उसके साथ आपको जैसे यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया, करीबन 30 रुपये के आसपास, 20-30 रुपये 40 रुपये का टारगेट में हमने बुक किया, बट काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। अगेन मैंने वहां पर दोबारा यहाँ से दोबारा एक पुट ऑप्शन बाय करके होल्ड किया कि स्टील यहां तक एक मोमेंटम होना चाहिए, अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो वो बात की बात बाद में देखेंगे। अब देखिए यहां पर भी आपको काफी अच्छा ट्रेड मिला है जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस से सपोर्ट सपोर्ट तक मार्केट ट्रैवल करता है, उसी बीच में अगर आप ट्रेड पकड़ लेते हो तो आपको वहां पर भी काफी अच्छा पैसा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड करना चाहिए, ऐसा नहीं। सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक मार्केट ट्रैवल करता है, उसी बीच में ट्रेड होता है, तो अगर आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो तो आप लोग वहां पर पैसा बना सकते हो। तो हमने कहां तक आपको बताया था, अगर चलता है तो 15,890 और 15,794 यहां तक आ सकता है, बट मार्केट थोड़ा और नीचे गया, 15,860 तक मार्केट गया, 5860 तक, और वहां से ऊपर आ गया। तो चलते हैं कल के लिए, कल कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। रेजिस्टेंस पहले बता देता हूं, अगर 15,964 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। फिफ्टीन थाउजेंड नाइन सिक्सटी फोर के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 16,017, और उसके ऊपर चलता है 16,071 और 16,140, यहां तक आपका टारगेट होना चाहिए। ये चीज आप दिमाग में जरूर रखिएगा, अगर मार्केट कल ट्रेड होता है तो ये लेवल्स आपको काफी हेल्प करेंगे मार्केट में, और अगर इसके ऊपर भी चलता है तो यहां तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, अगर मार्केट 15,964 के ऊपर ओपन होता है और उसके ऊपर चलने लगता है तो आप लोग बाय कर सकते हो। टारगेट कहाँ कहाँ तक है मैं आपको क्लियरली बता दिया हूं,
चलो 53 तक लेके चलो, 53 तक की टारगेट आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पर। और अगर सपोर्ट के नीचे ट्रेड होता है, सपोर्ट 15,911 के आसपास एक सपोर्ट मैं आपको नॉर्मल सा सपोर्ट देना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल जो है, मैं आपको उसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, अगर ये लेवल के ऊपर अगर कल मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है, इसके आसपास 910-11 के आसपास अगर खुल जाता है, तो ये लेवल को वेट करिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये रेजिस्टेंस को हीट कर सकता है 964 तक, 50-60 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो ये जो सपोर्ट है आज का 858, यहां तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये चीज को जरूर आप लोग याद रखिएगा, अगर मार्केट 9, 12, 11, 12 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, ये रेड लेवल आप याद रखिए, 15,911-12 तक वेट करिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है या उसके नीचे सस्टेन करता है, वहां से भी सेल कर सकते हो, बट 15,858 के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा, वहां से बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है 15,785, 15,728-85 पैसा, यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो लेवल सबको मैंने बताया, 15,964 रेजिस्टेंस है और 15,911 आपका एक सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है तो आपका डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा 15,856-58, बट आपको अगर 9, 9, 11 के आसपास ओपन हो जाता है उसके ऊपर, तो इसको डिसाइड करने दीजिए कि 9, 11 के नीचे ट्रेड होगा या उसके ऊपर ट्रेड होगा, ये डिसाइड करेगा लेवल। चलिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हमने दिए थे और कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ वो भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर रखिएगा। मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी 34,757 के नीचे सस्टेन करता है, सेल कर सकते हो। टारगेट क्या होना चाहिए? 34,553, 34,388 और 147, यहां तक नीचे आ सकता है। जब मार्केट ने आज ओपन किया, जो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग चलिए, जैसे ओपन हुआ मार्केट ने, मार्केट ओपन होते ही थोड़ा ऊपर चला गया, हमारा जो रेजिस्टेंस हमने प्लान किया था 35,032, अगर इसके सॉरी 35,032 को क्रॉस नहीं किया, हाँ, बट एक चीज हम लोगों ने 27, 28 के आसपास किया और वहां से नीचे आ गया कि हमारा ये रेजिस्टेंस है। और मैंने यहां से करीबन 35,020 और 25 के आसपास था मार्केट जब ऊपर जा रहा था, उसी लेवल पर मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन वगैरह बाई करवा के मैंने सबको बोला कि यहाँ से पुट ऑप्शन बाई करो। काफी अच्छा टारगेट यहाँ पर मैंने जो पुट दिया था, आई थिंक 34,900 का मैंने पीई दिया था, 96, 95, 96 के आसपास का लेवल था। उसी वहां से डायरेक्टली 175 तक मार्केट आया, बट हमने 20, 30 के आसपास आया, 40 के आसपास हमने टारगेट बुक किया। अगेन यहां से हमने पुट ऑप्शन वगैरह बाई किया, बट मैंने टारगेट थोड़ा 30-40 रुपए का टारगेट देके एग्जिट करवाया, बट मार्केट काफी नीचे आ गया। इसीलिए बोलता हूँ, अगर आप प्रॉपरली लेवल्स के ऊपर काम करते हो, अगर आपको लेवल्स के ऊपर काम करना आता है, मार्केट में आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए आपको मैं हर वक्त बोलता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके मार्केट में जरूर ट्रेड करें। चलिए बैंक निफ्टी का लेवल्स देखते हैं, बैंक निफ्टी कैसे कल ट्रेड हो सकता है। 34,558 ये लेवल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 34,558, ठीक है, लेवल आप याद रखिए। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 34,362,
अगर 362 के 61 के नीचे भी चला आता है तो आपको यहाँ पर और एक टारगेट देखने को मिलेगा 34,147 के आसपास आपको और एक टारगेट देखने को मिलेगा। याद रखिए अगर बैंक निफ्टी 34,558 के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो 34,261 34,147 और अगर 147 के नीचे भी सस्टेन करता है तो आपके लिए यहां पर और एक टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं ये लेवल। याद रखिए अगर 920 के आसपास और एक टारगेट है 900 के आसपास तो ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है 34,793 के ऊपर जैसे ही चलता है आज का डे हाई पहला टारगेट रहेगा 34,793 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 35,027 और उसके ऊपर चलता है 35,262 यहां तक भी आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड होता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके आप लोग एग्जिट कर सकते हो। गाइस अगर किसी को भी फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैंने दे दिया हूं, चेक करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर पेड सर्विस के लिए भी कुछ टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अगर किसी को भी ज्वाइन करना है वहां पर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी चलते हैं रिलायंस के ऊपर इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं कल के लिए। रिलायंस पर हमने कुछ प्लान किया था बट मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए उन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने ट्रेड हुआ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेड होगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा मार्केट पे हम लोग एक बड़ा सा प्रॉफिट यहां पर बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं रिलायंस के ऊपर, रिलायंस में कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। चलिए रिलायंस का सपोर्ट रहेगा 2371 के नीचे अगर रिलायंस सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। टारगेट सॉरी 2391 उसके नीचे सस्टेन करता है 2377 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 2360, अगर 2360 के नीचे भी सस्टेन करता है 2340 और 2320 यहां तक भी आपको रिलायंस देखने को मिलेगा क्योंकि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड होता है तो ये काफी बड़ा मोमेंटम नीचे कर सकता है। चलिए दोबारा बता देता हूं 2391 के नीचे अगर सस्टेन करता है 2377 2360 2340 और 2320 यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस रहेगा 2405 जैसे कि जहां पर क्लोजिंग हुआ है जहां पर क्लोजिंग हुआ है थोड़ा ऊपर 2405 जैसे 2405 के ऊपर सस्टेन करता है उसको बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा 2419 2439 2465 यहां तक भी आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा हूं काइंडली उन लेवल्स को नोट करके मार्केट में ट्रेड जरूर करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर थोड़ा चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में काफी अच्छा पैटर्न देखने को मिला था और जैसे कि हमने यहां से भी काफी अच्छा ट्रेड हमने लिया था। अभी एक अच्छे पैटर्न में खड़ा है, ब्रेकआउट का सिनेरियो था, ब्रेकआउट देने के बाद अभी ऊपर खड़ा है। तो क्या ये जो लेवल है 1800 का लेवल उसके या उसके बीच का कोई भी लेवल अभी ये हिट करेगा नहीं करेगा वो हम लोग अभी देखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक अगर 1757 जो सपोर्ट लेवल है 1757 सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन करता है सेल कर सकते हो 1737 1723 याद रखिए 1757 1757 के नीचे अगर सस्टेन करता है इसको सेल कर सकते हो 1737 1723 यहां तक आपको नीचे के लिए टारगेट देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस रहेगा 1777 जैसे ही 1777 के ऊपर सस्टेन करता है डे हाई के ऊपर सॉरी बाय कर सकते हो। दो टारगेट रहेगा, पहला 1794 और 1809 1794 और 1809 ये पहला टारगेट रहेगा।
अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो करीबन 1828 के आसपास का टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग दिमाग में जरूर याद रखिएगा, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ट्रेड हो सकता है। चलिए और एक स्टॉक के ऊपर चलते हैं, कि ये लेवल्स हम लोग अभी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसआरटी फाइनेंस के ऊपर थोड़ा देखेंगे, एसआरटी फाइनेंस में हम लोग उसको कैसे अभी ट्रेड करेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर चलते हैं और लेवल्स क्या कहते हैं डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर हम लोग देखेंगे। एसआरटी फाइनेंस में भी काफी अच्छा आपको एक पैटर्न देखने को मिला होगा, यहाँ पर एक मोमेंटम होने के बाद थोड़ा मार्केट ने डाउनसाइड करके अभी थोड़ा धीरे धीरे करके अपसाइड मूव किया, अभी नीचे आया था तो अभी एक ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर देता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आगे चल के आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के ऊपर, 1284.75 पैसा का सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो, टारगेट रहेगा 1270 के नीचे 1258 यहां तक आपको नीचे के लिए टारगेट मिलेगा। याद रखिए रेजिस्टेंस रहेगा 1299.45 पैसा, 1300 लेके जा सकते हो अगर 1299 के ऊपर सस्टेन करता है, बाय कर सकते हो। दो टारगेट पहले रहेंगे 1311.50 पैसा, 1323.55 पैसा, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो करीबन 1300 के आसपास भी एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगर 1284.75 पैसा के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो, 1299 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चले और उन लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।